नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 जुलाई 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 11 जुलाई 2021 का यह दिन कैसा रहेगा, क्या बड़ी घटनाएं आज आपके साथ घटने वाली हैं, क्या क्या शुभ समाचार मिलेंगे, क्या क्या बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, आपकी नौकरी, आपका करियर, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारा राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर हम आगे जानेंगे 11 जुलाई 2021 का यह दिन आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आया है, आज आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी। आइए जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। 11 जुलाई 2021 को शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि है, पुष्य नाम का नक्षत्र है, हर्षण नाम का योग है, रविवार का ये दिन है, चंद्रमा कर्क राशि में है जबकि सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे। बात करें अगर आज के अभिजीत मुहूर्त के बारे में तो ये समय होगा दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:59 तक का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, कोई भी नया काम कर सकते हैं। बात करें अगर आज के राहुकाल के समय के बारे में तो ये समय होगा 5:34 से लेकर 7:15 तक का समय आपके लिए अशुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम ना करें, कोई भी नया काम ना करें। दोस्तों, ये था ग्रह नक्षत्रों का हाल। इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे आज का यह दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज कुछ सावधानियां हैं जिनको बरतना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ उपाय हैं, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा एक उपाय के बारे में। इस उपाय को आज आप जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। चलिए बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में, आज का ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति की बात कर लेते हैं। चंद्रमा आज आपके लग्न में विराजमान रहेंगे जो आपके काम करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे। आपके अंदर काम करने की एक लगन होगी, उत्साह मन के अंदर होगा। चंद्रमा की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन देखिए आज पूरा दिन आप अपने ऑफिस में कामों में व्यस्त ज़्यादा रहेंगे। साथ ही साथ आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद के अंदर एक स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। घर का वातावरण आनंदित रहेगा, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, सामाजिक दृष्टि से भी आज आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मित्रों का, परिवार वालों का साथ आज आपको प्राप्त होगा। साथ ही कुछ ऐसी खुशी के पल आप अपने परिवार के साथ बिता पाएंगे जहां आपके परिवार वालों को एहसास होगा कि आप उनके लिए कितना कुछ करते हैं, कैसे उनकी सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, यानी वो आज आपको लेकर गर्व महसूस करेंगे, आपके प्रति प्रेम की भावना दिखाएंगे। साथ ही आज आपके दिन को देखिए, आज के दिन ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है, अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं और आपकी महत्वाकांक्षाएं आपके कामों में अनुकूल सफलता आपको दिलाने वाली हैं। लेकिन देखिए, थोड़ा सा शत्रुओं से आज आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर व्यापार की बात की जाए, व्यापारियों के लिए आज का ये दिन बड़ा लाभकारी रहेगा। ये दिन देखिए दाम्पत्य जीवन में खुशियां लेकर आएगा, परिवार में भी खुशियों का माहौल बना रहेगा। लवमेट के साथ आज संबंधों में मिठास बढ़ेगी। और अगर बात करें छात्रों की, स्टूडेंट की, तो छात्रों के लिए आज का ये दिन काफ़ी बेहतरीन रहेगा। आज आप अपने काम करने में सफल होंगे, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे पाएंगे। कुल मिलाकर आज का ये दिन आप लोगों के लिए बेहद अच्छा बना हुआ है। तुला राशि के लोगों के लिए आज यहाँ पर बड़े अच्छे योग भी बन रहे हैं जिसके कारण बहुत अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं। और वहीं जीवन साथी का आपको हर काम में पूरा सहयोग मिलेगा। बहुत शानदार ये दिन है, आपके व्यवहार में पॉजिटिव बदलाव आएंगे और अचानक से धन लाभ होने के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। अचानक से आपके हाथ में पैसा भी आएगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। और देखिए, जो तुला राशि की महिलाएँ हैं वो भी आज कुछ नया करने के बारे में, कुछ कर दिखाने के मूड में रहेंगी। और साथ ही आज आपकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिसमें आप काफ़ी दिनों के बाद जिनसे मिलेंगे, जिससे आपको बेहद प्रसन्नता होगी। उनके संपर्क करने के लिए भी ये दिन काफ़ी अच्छा है, उनसे संपर्क करें। सेहत की बात करें तो देखिए, सेहत के मामले में आज आप बेहतर महसूस करेंगे। किसी बुजुर्ग की मदद से आज आपको लाभ प्राप्ति का योग बन रहा है, तो इस समय अगर आपको मौका मिलता है किसी बुजुर्ग की मदद करने की, उसका सेवा करने की, तो आप जरूर करें, बड़ा पुण्य का काम है। साथ ही देखिए, इस दिन आपकी दिनचर्या में कुछ नए बदलाव होने को देखने को मिल सकते हैं। परिवार वालों के साथ आपकी किसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत हो सकती है या कोई बड़ा फैसला आप बिना सोचे समझे ले सकते हैं। देखिए, आप ऐसा ना करें, कोई भी फैसला बिना सोचे समझे ना लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी संतान के भविष्य को लेकर कुछ छोटी मोटी चिंताएँ आपको जरूर होंगी। विद्यार्थियों को अपने अभ्यास में कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी अपने पुराने मित्रों से भी मुलाकात होगी
जिनसे मिलकर मन प्रसन्न होगा, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा आज संयम से पेश आना होगा और अपने इस दिन को अच्छे तरीके से व्यतीत करना होगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और देखिए, यदि आप किसी नए व्यवसाय में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अच्छा समय है। इससे आपको उचित लाभ की प्राप्ति होगी। ऑफिस के किसी काम को पूरा करने में भी आज अधिक समय लग सकता है, जिसके चलते आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन देखिए समय रहते ही आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी का यदि कोई मामला आपका चल रहा है तो उससे दूरी बनाकर रखें। किसी भी वाद विवाद की स्थिति में आप आज ना पड़ें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो देखिए, आज आप अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखें। कोई अनबन की स्थिति पैदा हो सकती है और ये अनबन किसी तीसरे व्यक्ति के कारण हो सकती है, इसलिए आप किसी की बातों पर विश्वास ना करें। अपने संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश करें। आप अपने साथी के साथ अच्छे से पेश आएँ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। साथ ही देखिए, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। और अगर आज आप कुछ आलस महसूस करते हैं तो इसके लिए गायत्री मंत्र का आज आप जाप करें, जिससे आपकी जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो दूर होती हुई आपको दिखाई देंगी। आपको अपने कामों को सावधानी पूर्वक पूरा करना है, लेकिन देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखें, जीवन साथी से बात करते समय थोड़ी सावधानी रखनी है। वाणी पर कंट्रोल रखें, शब्दों पर कंट्रोल रखें। अब शब्द किसी तरह के नहीं बोलने हैं ताकि आपके संबंध अच्छे बने रहें। बाकी आय के नए स्रोत भी आज आपको मिल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। बात करें यदि देखिए, आप अपने कार्य क्षेत्र और व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ जरूरी फैसले लेते हुए भी आज दिखाई देंगे। ऐसा हो सकता है आज आपको अपने बिजनेस में मुनाफे के लिए किसी से सहयोग की प्राप्ति हो जाए। बाकी आज आपको अपने भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा और हो सकता है आपको अपने परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति से कुछ गिफ्ट देखने को मिल जाए। यानी अगर घर का कोई सदस्य आपको कोई उपहार देता है, सरप्राइज देता है, तो बड़ी अच्छी बात है, इससे आप काफ़ी प्रसन्न होंगे। इसके अलावा कलात्मक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी, कुछ नया करने की इच्छा आपके अंदर जागेगी, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। आज का ये दिन काफ़ी अच्छा है, इसको अच्छे से बिताएं। देखिए, आज आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माँ सरस्वती की पूजा करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। और देखिए, सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो आपके लिए समय और भी अच्छा बन सकता है। हालांकि योग तो आज आपके लिए बड़े शानदार बन रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी आपके पक्ष में है। यहाँ पर देखिए, आपके लिए थोड़ा खर्चे का योग भी बना हुआ है, क्योंकि इस समय आपके हाथ में पैसा आएगा तो खर्चा आप जरूर करेंगे, क्योंकि आपके स्वभाव में है, जब आपके पास पैसा आता है तो आप खर्चा जरूर करते हैं, परंतु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अपने खर्चे पर काबू करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने व्यवहार में भी सरलता बनाए रखें। मित्रों से बात करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें। अच्छे शब्दों का चुनाव करें। उग्र स्वभाव आप ना रखें, थोड़ा सा संभल कर रहें। देखिए, इस दिन को अच्छे से बिता पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए अच्छे व्यवहार से लोग आपसे प्रभावित भी होंगे। आपका व्यवहार बड़ा सौम्य होगा, मधुर होगा। मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे। कई क्षेत्रों में आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। अगर बात करें वित्तीय स्थिति के बारे में तो धन प्राप्ति के लिए, क्योंकि अच्छा योग बना हुआ है, यानी कुल मिलाकर ये जो दिन है, यहाँ पर आपके हाथ में पैसा आएगा, चाहे कहीं से भी आए। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। बस आज आप अपने माता पिता के साथ बैठकर कुछ घरेलू कामों में उनकी सहायता करें, बड़ा अच्छा रहेगा। माता पिता की सेवा करना एक बड़ी अच्छी बात है, तो मित्रों जरूर करें। माता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करेंगे तो आज आपके सारे काम आसानी से पूरे होंगे। तो मित्रों, माता के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। और देखिए, ऑफिस के काम को भी आप समय से पूरा कर पाएंगे। ध्यान रहे, फिजूल खर्ची से आपको बचना है, अपनी आय पर ध्यान रखना होगा। साथ ही आज अपने भविष्य को लेकर कुछ विचार करेंगे। दोस्तों, आज का पूरा दिन आपके लिए बड़ा शुभ फलदायी रहेगा। और यदि विदेश से किसी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो वहां आपको अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है, जिससे मन आपका प्रसन्न होगा। आज आपके लिए यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। धार्मिक यात्राएँ आपकी हो सकती हैं, जो आपके लिए लाभकारी रहेंगी। घर और कार्य क्षेत्र दोनों ही जगह शानदार माहौल बना रहेगा, जिसके चलते आप प्रसन्न होंगे। नौकरी व्यवसाय में आपको अधिक प्राप्त होगा। सरकारी कामों में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही आज आपको ज्यादा भावुक होकर कुछ समस्या का समाधान भी करना पड़ सकता है, तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। इस समय देखिए, धन का लेन देन करने में भी आपको सावधान रहना है। पैसे का लेन देन बड़ा सोच समझ कर करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और देखिए, उन लोगों के लिए आज का ये दिन बड़ा शानदार रहेगा जो प्रॉपर्टी, भूमि, भवन आदि से जुड़ा कोई काम करते हैं, या फिर आप ट्रेवल एजेंसी से जुड़े हैं, तो आज का ये दिन काफी शानदार रहेगा। चलिए, आप बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। आज का विशेष उपाय आज आप जरूर करें, आपको लाभ होगा। क्या करना है, भगवान शनि देव को काले तिल का तेल चढ़ाएं, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। तो ये उपाय है, इसको आप जरूर करें और लाभ उठाएं।
मित्रों आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।